नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंशली। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। मिचोंग तूफान की तबाही, पानी पानी हुआ तमिलनाडु, दो लोगों की मौत, स्कूल बंद, 140 ट्रेनें कैंसिल। पीएम मोदी ने चक्रवाती तूफान मिचोंग को लेकर रविवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से बात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। गाजा की हालत देख परेशान शख्स ने एफिल टावर के पास ट्रेडकों पर किया जानलेवा हमला, लगाए अल्लाह अकबर के नारे, एक की मौत, दो घायल। छत्तीसगढ़ में 16 वोटों से हुआ हार जीत का फैसला। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। पार्टी ने 54 सीटें अपने नाम की, कुछ नेता बड़े अंतर से जीते तो एक नेता को केवल 16 वोट से जीत मिली। एमपी और राजस्थान में मिली हार तो फिर ईवीएम पर रार। अखिलेश यादव की मांग, बैलेट पेपर से हो चुनाव। ईवीएम प्रक्रिया पर सवाल करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बैलेट पेपर को अपनाना चाहिए, अमेरिका जैसे विकसित देश में एक महीने चुनाव होता है। खत्म हो जाएगी कांग्रेस की कहानी, चुनाव में हार पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए अब 2024 में क्या रखा है। तेलंगाना में दो अधिकारियों के साथ उड़ान भर रहा ट्रेनिंग प्लेन दुर्घटनाग्रस्त, डिप्टी सीएम ने दी श्रद्धांजलि। तेलंगाना में भारतीय वायुसेना का एक प्रशिक्षु विमान सोमवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में दो अधिकारी सवार थे। मायावती के बयान पर भूपेंद्र चौधरी ने किया पलटवार, कहा बसपा चीफ नहीं ले पा रही हार की जिम्मेदारी। बसपा प्रमुख मायावती चुनावों परिणामों पर गंभीर मुद्दे उठाए हैं और जवाब देने का काम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दिया है। मायावती ने नतीजों को एकतरफा बताया था। कैलाश विजयवर्गीय ने पीएम मोदी को दिया एमपी में जीत का एकल श्रेय, बोले लाडली बहना योजना नहीं बल्कि पीएम मोदी की वजह से हम इस चुनाव को जीते। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में कहा उड़ान स्कीम में 1,30,000 यात्रियों ने किया हवाई सफर, सुरक्षा नियमों पर मंत्रालय अलर्ट। आप सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ाई। आपके सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका लगा, दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। क्राइम की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं युवा, गैंगस्टर बना रहे अपना नेटवर्क का हिस्सा, बहुत बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में गैंगस्टर गोल्डी बराड, लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी और संपत नेहरा के नेतृत्व वाले तीन जबरन वसूली मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, साथ ही 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया। जनता को सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा, अनुराग ठाकुर का दावा। अनुराग ठाकुर के मुताबिक एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत, पीएम मोदी के नेतृत्व और बीजेपी पर चुनाव दर चुनाव, जनता के बढ़ते विश्वास के प्रतीक। तीन राज्यों में प्रचंड चुनावी जीत के बीच बजरंगबली का आशीर्वाद लेने हनुमान मंदिर पहुंचे जेपी नड्डा, कहा देश को पीएम मोदी ही दे सकते हैं मजबूती। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को परिवार समेत दिल्ली के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना के बाद बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। बाल पकड़कर घसीटा, थप्पड़ मारा, कानपुर में महिला चोर की पिटाई का वीडियो वायरल। साड़ी पहने एक महिला ने सलवार सूट वाली दूसरी महिला की सबके सामने पिटाई कर दी। उसने महिला के बाल पकड़कर घसीटे और उसे थप्पड़ मारे। पिटाई करने वाली महिला का कहना था कि वो उसका पर्स चुराकर भागने की फिराक में थी। राजस्थान के 14 जिलों में पीएम मोदी ने की सभाएं, वहां बीजेपी ने जीती 66 सीटें। पीएम मोदी ने उदयपुर, भरतपुर, नागपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, राजस्थान, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बारह, कोटा, चुरू, झुंझुनू और ब्यावर में प्रचार किया। पीएम मोदी के उलट राहुल गांधी को राजस्थान में काफी उम्मीदें थी और उन्होंने अपनी 12 सभाओं के जरिए 11 जिलों में कांग्रेस की लहर बनाने की कोशिश की। तुरंत नॉनवेज के सारे ठेले बंद करवाओ, राजस्थान में चुनाव जीतते ही एक्शन में आए। जयपुर के हवा महल सीट से विधायक बने बाल मुकुंद आचार्य ने लोगों के बीच ही अधिकारी को फोन लगा दिया और उन्हें सड़कों पर से नॉनवेज फूड स्टॉल हटाने का अल्टीमेटम दे दिया। अब इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। कब्जा कर बेच दी 100 करोड़ की जमीन अशरफ की पत्नी जैनब और उसके भाइयों पर एक्शन की तैयारी। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया। पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई।
सीएम शिवराज के जिले सीहोर में फिर खिला कमल, चारों सीटें बीजेपी के खाते में। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में बीजेपी ने एक बार फिर जीत का भगवा झंडा लहरा दिया है, साथ ही तीनों संसदीय सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। विधायकी गई अब बंगला भी, और नरोत्तम मिश्रा सहित 12 मंत्रियों को भी खाली करना होगा सरकारी आवास। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 6 बार से विधायक थे, लेकिन 7वीं बार वे चुनाव हार गए। इसी तरह 7 बार के विधायक गौरीशंकर बिसेन को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। एमपी में करारी हार पर पहली बार बोले अखिलेश यादव, कांग्रेस पर साधी चुप्पी, बसपा के साथ गठबंधन पर किया बड़ा दावा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली करारी हार पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम डेली अपडेट।